अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान नेवी में बहुत सारी नौकरियों का ऐलान हुआ है और इसमें आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी सूबे से है। आप सिंध से हैं, आप पंजाब से हैं, बलूचिस्तान से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, आप कहीं से भी हैं, मेल फीमेल इस पर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें तालीम सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिक, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है ना, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सहूलतें सुने जी इनकी। अच्छा, सहूलतें इनकी क्या, इन्होंने जो इनके एडवर्टाइजमेंट में लिखी हुई हैं, मुलाजमत के साथ मुफ्त खाना, रिहाइश और यूनिफॉर्म सब मिलेगा, दौरान मुलाजमत इंश्योरेंस का तहफ़ कोर्सेज और डेपोटेशन पर बिरौन मुल्क जाने के मौाक़े, शादी के बाद फैमिली रिहाइश अलाउंस और दीगर मराआत, हवाई जहाज़ और रेल के सफ़र में 50% रायत, बच्चों के लिए बेहतरीन तलीमी सहूलियात, वालदेन बीवी और बच्चों को मिलिट्री नेवी के अस्पतालों में मुफ्त इलाज, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद बहरिया फाउंडेशन में मुलाजमत के मौाक़े, सब मरीन जो है SSG नेवी और एविएशंस जो हैं एयर ब्रांचेस के 40% अजाफी अलाउंस और राशन भी मिलेगा, और इसमें अप्लाई की कोई फ़ीस नहीं है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। और मज़े की बात, इसमें कहते हैं जी आप अपने सेंटर कहाँ कहाँ बना सकते हैं, आपके अपने सेंटर्स मतलब अपने शहरों में आपके टेस्ट के सेंटर होंगे, एबटाबाद, पेशावर, हैदराबाद, खुजदार, डेरा इस्माइल खान, रावलपिंडी, रहीम यार खान, सखर, सवात, सियालकोट, शहीद बेनज़ीराबाद, उसके बाद फैसलाबाद, कराची, खारियाँ, कोयटा, गिलगित, ग्वादर, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ आप अपने टेस्ट देंगे, यानी आपके अपने शहरों में आपके टेस्ट भी होंगे, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, अप्लाई की कोई फ़ीस नहीं है, अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊँगी, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। मैं हूँ सनम दिलशाद और मैं रोज़ाना बेसिस पर आपको बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से बताती हूँ, रोज़ाना बताती हूँ। आज बता रही हूँ पाकिस्तान नेवी के बारे में, इसलिए अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, और जो मैं हमेशा कहती होती हूँ वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। आपसे रिलेटेड अगर ये नहीं है, जिनसे रिलेटेड हैं उनके लिए शेयर कर दें सदका जारिया के तौर पर, किसी के लिए हमेशा तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो चलें जी, मैं आपको इस हम अपनी जॉब की तरफ जाते हैं और मैं आपको मुकम्मल अप्लाई का तरीका बताऊंगी, वीडियो स्किप नहीं करनी, फिर आप कहते हैं आप ही ऐसे हो गए और वैसे हो गए। ठीक है जी, पहले समझ लें सीटें कौन सी आई हैं। इसमें टेक्निकल नेचर की भी हैं, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियंस भी हैं, नेवल पुलिस की भी हैं, उसके बाद इसमें शेफ़ की हैं, म्यूज़िशन है, ड्राइवर है, खाकरूब है, PT ब्रांच, ठीक हो गया, सब पे इन्होंने मैट्रिक मांगी हुई है। लेकिन गैर शादीशुदा, शादीशुदा हजरात पीछे हो जाएं, इन्होंने कहा जी हमें गैर शादीशुदा चाहिए, जब आप शादी करेंगे ना तो फिर हम आपको बहुत सारी मराद देंगे, इतनी सहूलतें हम आपको देंगे। अच्छा जी, कद देख लें जी, 5 फुट 4 इंच, किसी पर 4 फुट 8 इंच भी है, किसी पर 5 फुट 7 इंच है, किसी पर 5 फुट 6 इंच है, किसी पर 5 फुट 4 इंच है। सारी पोस्ट, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करें उसके आगे उसकी स्पेसिफिकेशन इन्होंने दी है कि मैट्रिक में किसी में 65%, किसी में 50% नंबर, परसेंटेज कैसे निकालते हैं सुन लें जी, आपके कितने फ़र्ज करें, 1050 नंबर हैं, आपने लिए 900 नंबर, 900 तकसीम 1050 ज़रब 100, हासिल करदा नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ज़रब 100 करके परसेंटेज आपने निकाल लेनी है। ठीक है, इन्होंने बताई हुई है कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं जो इसमें मैं देख रही थी कि जिन पर बच्चों को करना चाहिए, नेवल पुलिस पे करें आप लोग, ठीक है, मरीन पे करें आप लोग, उसके बाद जो मेडिकल से रिलेटेड बहनें हैं हमारी फ़ीमेल मेडिकल टेक्नीशियन उस पे करें, इसके बाद इसमें आप जनाब 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 ड्राइवर पे भी कर सकते हैं, PT ब्रांच पे कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा जो है ना वो नेवल पुलिस का मैं कहूँगी, इस पर करें, बहुत सारी सहूलतें इसके अंदर। अब सहूलतें तो मैं आपको देखें ना बता चुकी हूँ, राशन, खाना पीना, आपकी रिहाई, शादी हो जाए तो मरात, घर, हवाई जहाज़ में सफ़र करना मिले तो उसमें इतनी मरात, कितनी मरात इसमें मौजूद हैं, और किसी भी डिपार्टमेंट में कभी आपने सुना इतनी मरात मिलती हैं, नहीं मिलती जी जनाब, इसमें मिलती हैं। ऑनलाइन हमने अप्लाई करना है, कोई फ़ीस नहीं है, मुकम्मल वीडियो देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी है आपने, और अप्लाई का तरीका बताती हूँ, चलें जी आ जाएं। और इसके साथ मैं आपको बताती जाऊँ, फिर आपने अपने सबसे अहम बात तो मैंने आपको बताई नहीं,
टेस्ट और इंटरव्यू ये अक्टूबर है, नवंबर के स्टार्ट में हो जाए ना, यानी नवंबर में आपकी नौकरी, ये अक्टूबर ही है ना, हाँ नवंबर में आपकी नौकरी भी हो जानी है। सबसे मज़े की बात ये थी कि जिसमें आपको टेस्ट का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ओ कब टेस्ट है, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपकी टेस्ट की डेट साथ ही आ जाएगी कि जी इस डेट को, इस तारीख को, इस जगह पर पहुँच जाए, आपका टेस्ट इंटरव्यू हो जाना है। चलें जी आ जाए फटाफट से हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। आपको पता है कोई भी जॉब होगी तो वो ऑफिशियल वेबसाइट से होगी, ये रही जी पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है ये देख लेनी, सही है, चलो अभी फोकस हो जाओ, ठीक है जी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप डाउन करेंगे तो देखिए जी ये सेलर्स जनरल सर्विस ये लिखा हुआ है, सही है। हम इधर से ये देखें सेलर की ये वाली है, इस पर हम पहले, मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा देती हूँ, ये देखें जी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, 8 से 22 अक्टूबर 2023 इसकी आखिरी तारीख है। बाकी सारी चीज़ें चूँकि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो हम बैक जाते हैं अप्लाई की तरफ। तो ये व्यू क्राइटेरिया, रजिस्टर नाउ, इस पर हम करते हैं, हम रजिस्टर करेंगे, सही है। लें जी ये खुल गई हमारे सामने, बच्चे कह रहे थे जी अप्लाई का तरीका बता दें, चीज़ें समझा दें, तो मैं आपको फॉर्म समझा देती हूँ। यहाँ से आप चूज़ करेंगे सेलर जनरल सर्विस ए, हम इसको चूज़ करके देखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप इसमें से देखें जी वो टेक्निकल है या म्यूजिशियन है, सैनिटरी वर्कर, नॉन टेक्निकल, ये सारी पड़ी हुई हैं। अच्छा दूसरे वाले में देख लेते हैं क्या इन्होंने बताया हुआ है, उसमें कौन सी हैं, नहीं जी ये हमसे रिलेटेड नहीं है, हम इसी पे करेंगे, सही है। ये सारी उन्होंने, सैनिटरी वर्कर है, ड्राइवर है, म्यूजिशियन है, जिस पर भी हम कर रहे होंगे, सही है, इसको हम चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें वो बता देंगे जी हमने कौन से कार्डर में हम करना चाह रहे हैं, मतलब अगर आप डेरा इस्माइल खान से हैं, फैसलाबाद है, ये सारे इनके कार्डर्स हैं, यानी अब जहाँ पर ये जॉब चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। जैसे अगर कोई रावलपिंडी का है वो रावलपिंडी कर ले, कोई बलूचिस्तान का है वो कोयटा कर ले, ग्वादर कर ले, जो भी आपको समझ में आता है, जो लगता है कि जी हम यहाँ ठीक हैं, हम वो कर लेंगे आप सेलेक्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं होती तो मैं इसमें चूज़ करती जनाब रावलपिंडी, सही है। यहाँ से हम अपना टेस्ट सेंटर, अपनी डेट भी चूज़ कर लेंगे। अब वो कहते हैं कि जी अगर आप रावलपिंडी का चूज़ करेंगी तो फिर उसमें हम एक तारीख को टेस्ट ले रहे हैं, 2 को 3 को 6 को, ये हम खुद चूज़ कर लेंगे टेस्ट की डेट भी। मैंने एक चूज़ कर ली कि जी आप 1 नवंबर को जो है ना मैं टेस्ट देने के लिए रेडी हूँ और मैं रावलपिंडी में जाऊँगी टेस्ट देने, मैंने ये खुद चूज़ कर लिए। अभी ये घूम रहा है, देखते हैं अभी ये, अच्छा जी लो जी वो कहता है जी टाइम भी सुन लें, फिर आपने 8 बजे आना है, 9 बजे आना है, 10 बजे 11 बजे, ये ना हो आप यहाँ पे 8 चूज़ कर लें और पहुँचें आप 11 बजे, ऐसा नहीं होगा। जो आप चूज़ करेंगे आपने उसी पे पहुँचना है। तो जो दूर से आ रहे हैं वो 12 कर लें कि जी हम 12 बजे वाला देंगे, जो करीब से आ रहे हैं वो 8 बजे वाला कर लें, जो आपके पास सूटेबल है। अगर आपका कोई भी नेवल कहते हैं ये नेवी से रिलेटेड कोई भी उसमें शहीद है तो आप उसमें लिख सकते हैं कि जी हमारे कोई रिश्तेदार हैं वो इसमें शहीद हुए थे, आप वो बता सकते हैं, वरना इसको नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। यहाँ आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, लेकिन फ़ोटो 20 KB से कम होनी चाहिए। पता है ना 20 KB से कैसे कम करते हैं, देखिए जी मैं आपको यहाँ पर शायद कोई, अच्छा यहाँ आप कोई नहीं लगी हुई, आपने कोई भी फ़ोटो है ना उसकी प्रॉपर्टी में जाके चेक कर लेना वो कितने KB की है। जो फ़ोटो आप अटैच करें 20 KB से कम रखें। कैसे इसको कम करते हैं अपनी फ़ोटो को, आपने ऑनलाइन इधर से रीसाइज़ पिक्चर कर सकते हैं जी, आपको खुद बता रहा है कि अगर आपके पास कोई पिक्चर है जिसका साइज़ बड़ा है, अटैच नहीं हो रही, आप इधर से रीसाइज़ कर सकते हैं, उन्होंने ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो बता दिया है, सही है। आप यहाँ से करेंगे उसको, इमेज को सेलेक्ट करके और उसको कर देंगे, सही है। उस पर मैं नहीं जा रही, वीडियो फिर लंबी हो जाती है, आ जाएँ जी। इधर आप अपना नाम लिखेंगे, CNAC, फादर नेम, अपना फादर का CNAC भी आपके पास होना चाहिए। जेंडर लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस सिंगल आप लिखेंगे, रिलीजियस, प्रोविंस, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें सिंपल सिंपल सी हैं। यहाँ पर आपने अपना नंबर लिखना है, यहाँ अब्बा जी का नंबर भी लिखना है, अब्बा जान का, ठीक है जी, उनका नंबर भी लिखेंगे और आप यहाँ से कर देंगे अप्लाई। हो सकता है इससे आगे भी वो आपसे कोई आपकी जॉब वो उससे रिलेटेड भी पूछें, आपकी एजुकेशन भी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको यहाँ तक मैंने बता दिया। अप्लाई आप लोग कर लेते हैं अगर कहते हैं तो, ये रीसाइज़ वाला आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ये ऐसे जब आप करेंगे आप यहाँ से फ़ोटो चूज़ कर लेंगे, देखें जी अपलोड इमेज, सही है, वो ऑटोमेटिकली इसको लेस KB में वो कर देगा, तो आपको गूगल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर समझ आ गई है बिल्कुल। तो जनाब मैं ये लिंक लगा दूँगी इसकी डिस्क्रिप्शन में, ठीक हो गया।
लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ। ठीक है जी, उसके बाद आपने यहाँ से देखें जी, ये स्लिप का भी ये शो करें, अभी हम देख लेते हैं स्लिप की क्या। यहाँ आप अपना CNAC लिखेंगे और आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो स्लिप है वो डाउनलोड कर लेंगे, जो आप अपने साथ लेकर जाएंगे। ठीक हो गया, उसके बाद ये क्या करें, यहाँ आपके रिजल्ट्स शो होंगे जो कि अभी नहीं हैं ऑब्वियसली। जब आप टेस्ट शेस्ट दे देंगे, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। जब आप अपनी स्लिप को यहाँ से अपनी स्लिप को जब आप यहाँ से ओपन करेंगे, तो आपने जो CNAC वहाँ पे आपका रोल नंबर भी लिखा होगा, इस स्लिप का रोल नंबर आपने सेव रखना है। जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो फिर आपने यहीं से आके रिज़ल्ट अपना चेक करना है, रोल नंबर लिखना है। उम्मीद है समझ आ गई होगी, उम्मीद करती हूँ अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा और मैंने समझाने में अपनी मुकम्मल एक कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना और लगा है कि मैंने मेहनत की है, तो फिर अभी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। भाई सब्सक्राइब किया करें, ये आपको ऐसा चैनल कहीं नहीं मिलना जहाँ पर इतनी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है जी, आखिरी तारीख सुन लें जी, इसकी आखिरी तारीख तो मैंने आपको बताई नहीं थी। मोरखा जनाब 8 से 22 अक्टूबर तक, आज होगी ये 10 अक्टूबर, 22 अक्टूबर इसकी आखिरी तारीख है। ठीक हो गया, कितने दिन पहले बता रही हूँ, 12 दिन पहले, सही हो गया, पहले बताती हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, अप्लाई करें, अल्लाह का नाम लेके अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह गफूर रहीम है। एडवर्टाइजमेंट और इसकी अप्लाई के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, आप देख सकते हैं। हर चीज़ को देखने के बाद रीड करिएगा और देन फिर आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखा करें, वीडियो को शेयर करें सदका जारिया के तौर पर, और दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।